ऑल राइट गाइस, अभी अभी देख कर आया हूँ प्रभास अन्ना दी मच अवेटेड मूवी सलार। और दोस्तों यार, इस मूवी को देखने के लिए मैं जीरो एक्सपेक्टेशन से गया था। मतलब कि यार, जब मैंने इसका टीजर ट्रेलर देखा था तभी मैं समझ गया था कि ये मूवी भाई साहब KGF लेवल की तो नहीं होने वाली। हाँ, वो बात अलग है कि इस मूवी के अंदर जो प्रोडक्शन वैल्यू दिखाई गई है वो काफी हाई है। और दोस्तों, जिस तरीके की इसमें सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है वो भी काफी हाई है। लेकिन दोस्तों, फिर वही बात आ जाती है, आप मूवी की प्रोडक्शन वैल्यू कितनी भी हाई बढ़ा लो, लेकिन दोस्तों अगर उस मूवी की स्टोरी अच्छी नहीं है तो वो मूवी लिटरली नहीं चल पाएगी। और तो और दोस्तों यार, प्रशांत नील के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस मूवी को KGF से कनेक्ट करने की, और अगर वो इतना सा काम कर देते तो आज इस मूवी की कितनी हाइप होती और ये कितना कलेक्शन करती, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेल दोस्तों यार, इसके अंदर अपने रिवेल स्टार प्रभास और पृथ्वीराज सर हैं, तो हाँ ये मूवी कलेक्शन तो अच्छा कर लेगी, लेकिन दोस्तों ये मूवी KGF के कंपैरिजन में उससे ज्यादा इज्जत नहीं कमा पाएगी। वेल दोस्तों यार, सभी चीजों को मिलाकर बात करते हैं इस मूवी की डिटेल में कि आखिर मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो देखिए यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में, जो कि लिटरली बहुत ही बेकार है। आई नो कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी करी जा सकती थी, लेकिन दोस्तों प्रशांत नील ने इसकी स्टोरी पार्ट टू के लिए छोड़ दी है। मतलब कि यार, लिटरली अगर आप इस मूवी को देखने जाओगे तो आपको इसकी स्टोरी में इंटरवेल से पहले ही एक छोटा सा एक्शन सीन देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों इंटरवेल के बाद थोड़ा बहुत एक्शन सीन देखने को मिलेगा, और फिर लास्ट में जब बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी और दोस्तों बहुत ही खतरनाक एक्शन सीन होने वाला होगा, लेकिन दोस्तों वहीं पर इसकी स्टोरी द एंड हो जाएगी और फिर पार्ट टू लिखकर आ जाएगा। मतलब कि यार, जो लिटरली इसके क्लाइमैक्स सीन को देखकर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रही थी और जिस तरीके के गूस बम्स आ रहे थे, इन्होंने सबकी ऐसी की तैसी कर दी। अगर ये लोग इसकी स्टोरी को थोड़ा ज्यादा और दिखाते तो दोस्तों इसकी स्टोरी बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन यार प्रशांत नील ने इसके पार्ट टू के लिए ही सब कुछ बचा कर रखा है। वेल दोस्तों यार, इसकी स्टोरी को साइड में रख के अगर एक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो यार इसके अंदर सभी एक्टर ने ठीक ठाक ही काम किया है, और अपने प्रभास ने तो भाई साहब एक्शन तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन दोस्तों यार उन्होंने एक्सप्रेशन बहुत ही बेकार दिए हैं। मतलब कि यार, अपने सल्लू भाई की तरह एक ही एक्सप्रेशन में पूरी मूवी निकाल दी। वेल दोस्तों यार, उसके बाद जो श्रुति हसन का कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही बेकार कैरेक्टर लगा। मतलब कि यार, वो फॉरेन से आती है तो हर टाइम इंग्लिश पर इंग्लिश बोलती है, और दोस्तों यार इसकी जो हिंदी डबिंग है ना वो बहुत ही बेकार है। लिटरली यार, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, लेकिन हाँ प्रभास की हिंदी डबिंग काफी अच्छी है बाकी एक्टरों के मुकाबले। वेल दोस्तों यार, ओवरऑल इसकी कास्ट को साइड में रख के अगर इस मूवी की बात करें तो देखिए यार, मूवी डार्क बहुत है। मतलब कि जैसा कि आपको पता ही है कि प्रशांत नील सर की मूवी में डार्कनेस बहुत होती है, लेकिन दोस्तों यार इस मूवी में कुछ ज्यादा ही है, जिससे कि भाई साहब आप मूवी की ज्यादा डिटेलें नोटिस नहीं कर सकते। वेल दोस्तों यार, ओवरऑल सभी चीजों को मिला के मुझे ये मूवी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। मतलब कि यार, ये एक वन टाइम वॉच वाली एवरेज मूवी है। तो दोस्तों यार, इसीलिए मैं दूंगा इस मूवी को 3/5 स्टार। और दोस्तों यार, आपको एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 18+ हो और आपको फुल एक्शन से भरी हुई मूवी देखना पसंद है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हो कि आप प्रशांत नील सर की मूवी समझकर ये सोचकर जा रहे हो कि इसके अंदर हमें KGF जैसे इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वेल दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।